नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में बदला लेने की नियत से ही युवक की हत्या की गई थी। आरोपी की पत्नी को भगाकर ले गया था मृतक। गांव लौटा तो दोस्त के साथ मिलकर सिर कुचल दिया था। जी हाँ, ये पूरा वाकया सागर का है। सागर के सागर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के मुख्य आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। हत्या का कारण आरोपी की पत्नी को मृतक भगाकर ले गया था और साथ रह रहा था, इसी का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सागर थाना प्रभारी उमेश यादव ने बताया है कि 20 मई को थाना क्षेत्र के निवाही के जंगल में छोटे बंधा के नीचे युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान देशराज पुत्र तुलैया निवासी तारपुर के रूप में हुई थी। मृतक के सिर और शरीर पर चोटों के निशान थे। पीएम में हत्या की पुष्टि होते ही मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान संदेहियों के नाम सामने आए। पुलिस ने संदेही देवेंद्र प्रजापति को हिरासत में लिया और पूछताछ की। 20 तारीख को देशराज आदिवासी हत्या कर दी गई थी। इसमें जो संदेही आरोपी थे मुलायम यादव और मनोहर आदिवासी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जीआरपी न्यायालय पेश कर दिया गया है। मनोहर आदिवासी की पत्नी को देशराज मृतक रखे था, इस कारण से ही आरोपी मनोहर आदिवासी ने मुलायम के साथ मिलकर हत्या की। पूछताछ में देवेंद्र ने बताया कि 20 मई को मनोहर आदिवासी की बहन की शादी थी। मनोहर ने सुबह फोन कर बोला कि शादी के लिए लकड़ी घर पर डाल देना, इसलिए जंगली लकड़ी लेने गया था। रास्ते में मुलायम यादव देशराज आदिवासी मिले थे जो छोटे बंदा की ओर जा रहे थे। मामले में पुलिस ने मुलायम और मनोहर की तलाश शुरू की। दोनों आरोपियों को ग्राम जड़ों ला के जंगल से गिरफ्तार किया गया है। थाने लाकर पूछताछ की तो दोनों ने देशराज की हत्या करना कबूल कर लिया है। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।